हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल अवय सिंह फियरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। मैंने GC1 का वीडियो बनाया, काफ़ी लोगों ने लाइक किया। अब GC2 के सारे एलिमेंट्स को कवर करने जा रहा हूँ, जो कि न्यू सिलेबस बेस्ड है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी कोविड के टाइम में ओपन बुक एग्ज़ाम चल रहा है, तो केवल पेपर 1 ही जो है मैनेजमेंट पार्ट है। और लेकिन अभी जो है ओपन बुक एग्ज़ाम में ऐसा नहीं कि पेपर 1 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर 1 तो थ्योरी पेपर है ही, बट पेपर 2 का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके आप ओपन बुक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। दोनों जो बुक है, अगर यूनिट है, दोनों का अगर नॉलेज नहीं रहा तो आप इस दोनों को मिला के आप सही से यूज़ नॉलेज को नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसे भी आप पूरा पूरा वॉच करें, जिससे कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि क्या होता है वर्क प्लेस पे, किस तरह के हजार्ड, यही तो यूज होने वाला है आपके लाइफ में हमेशा। तो ये कंपलसरी सभी एलिमेंट्स को वॉच करें, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि एलिमेंट 5 में पढ़ना क्या है। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ है, यानी कि इसी के रिलेटेड हम लोग सारी पढ़ाई करेंगे। फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ से रिलेटेड जो है हम लोग इसमें सारी पढ़ाई करेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका, तो इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे आइए देखते हैं। तो डिस्क्राइब द हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू नॉइस एंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर। एक्सपोजर टू नॉइस के बारे में देखेंगे और इसके कंट्रोल मेजर, यानी कि नॉइस पे क्या कंट्रोल मेजर लेना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्क्राइब द हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद द एक्सपोजर टू वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का देखेंगे और इसका जो भी पॉइंट देखेंगे ना उसमें क्या खतरे हैं और इसके क्या कंट्रोल मेजर हो गए, ये दोनों देखेंगे हम लोग सिस्टमेटिक, यानी कि हजार्ड रिस्क और उसके कंट्रोल मेजर। उसके बाद डिस्क्राइब द हेल्थ इफेक्ट एसोसिएटेड विद द आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये जो रेडिएशन है इसके बारे में देखेंगे और साथ में उसके कंट्रोल मेजर भी देखेंगे। तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है वर्क रिलेटेड इल हेल्थ, यानी कि जो हम जब साइटों पे काम करते हैं ना तो कुछ इल हेल्थ होता है काम के चलते, उसके बारे में जानेंगे और इसको कैसे मैनेज करें, यानी कि वही कंट्रोल मेजर इसको देखेंगे। और सेकेंड लास्ट जो है डिस्क्राइब द रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड फैक्टर अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर ऑफ वायलेंस एट वर्क, जो वर्क प्लेस में वायलेंस होता है उसके बारे में, वायलेंस मतलब झगड़ा मारपीट ऐसा जो भी है। उसके बाद डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ सबस्टांस एब्यूज ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क, कुछ जो एल्कोहल वगैरह का यूज करते हैं ना उसके बारे में हम लोग देखेंगे और इसके कंट्रोल मेजर। ये टोटल 6 टॉपिक है जो कि इसमें हमें कवर करना है। आइए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं नॉइज। ये इस टॉपिक में पूरा पूरा जानेंगे नॉइज क्या होता है। आइए देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नॉइज होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। तो नॉइज क्या है, एक अनवांटेड अनडिजायर्ड साउंड है जो कि हमें सुनाई देता है। जैसे मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं वो भी एक तरह क्या है, साउंड है जो कि हमें सुनाई देता है और हमें अच्छा लगता है, तो इसलिए वो क्या है, म्यूजिक है। बट वही सेम साउंड अगर हमें अच्छा ना लगे तो हमारे लिए नॉइज हो जाता है। तो जैसे एक गाड़ी आसपास में जा रही है, अगर वो हमें साउंड अच्छा लग रहा है तो हमारे लिए अच्छा साउंड है। फिर अगर वो नहीं, जैसे 10 आदमी बात कर रहे हैं और हमारे काम की बातें हो रही हैं तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं है हमारे लिए नॉइज है। तो कुछ ऐसे मशीनरी वगैरह का साउंड है जिससे हमें कोई मतलब नहीं रहता है, बट ये साइटों से आता है और हम जब साइट पे काम करते हैं तो हम इससे एक्सपोज होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है, जो प्लांट मशीनरी जो भी यूज़ करते हैं, आप देखेंगे कि कंक्रीट ब्रेकर मशीन है या बड़े बड़े क्रशर हैं, बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं। और इससे क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है इससे परेशान रहते हैं और उन्हें काफ़ी दिक्कतें आती हैं। यूनिफॉर्म सर्विसेज, यानी कि जैसे पुलिस हो गया, जो आर्मी वगैरह के लोग होते हैं, यूनिफॉर्म सर्विस जिसको बोलते हैं, ये लोग जब बड़े बड़े तोप गोले और ये क्या बोलते हैं बंदूक वगैरह, आर्टी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में,
और छोटे छोटे गन वगैरह जो चलाते हैं, तो इनका एक साउंड आता है जोर से, जिससे सीधे कानों में एक इम्पल्स साउंड आता है कान पे, और कान ख़राब होने का भी आप देखा होगा, खासकर मूवी वगैरह में जब छोड़ते हैं सब गोला छोड़ते हैं, बहुत दूर दूर तक जाता है और बहुत ज़्यादा साउंड भी करता है, तो वहाँ पे देखेंगे सब लोग जो है ईयर मफ लगा के रहता है, खासकर इंटरटेनमेंट सेक्टर वर्कर्स। आप जानते हैं कि आजकल डीजे वगैरह का कंसेप्ट है, और या बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ बहुत लाउड साउंड बजा के सभी डांस करते हैं, तो ये लाउड साउंड जो है अच्छा तो लगता है, लेकिन ये हमारे कानों को भी डैमेज करता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वर्कर, जैसे इंडस्ट्रियल मशीनरी वगैरह जो भी है, आप देखेंगे बहुत बड़े ब्लोअर हैं, या बहुत बड़े कंक्रीट मिक्सिंग मशीन है, चाहे आपका ब्रेकर मशीन है, या आप इंडस्ट्री में तो बहुत तरह के मशीनरी होते हैं जिसमें आप अगर काम किए होंगे किसी भी इंडस्ट्री में, तो काफ़ी आपको वहाँ साउंड सुनाई देता है, या आसपास में आपके कोई फैक्ट्री हो ना, एल्युमिनियम फैक्ट्री चाहे कोई फैक्ट्री, देखेंगे एकदम रात भर चिल्लाते रहता है, इसीलिए उसको शहर से दूर यानी कि गांव से भी दूर ऐसी जगह पे उसको कंपनी को बनाया जाता है जहाँ पे लोग कम रहते हों, क्योंकि साउंड बहुत ही निकलते रहता है। अगर आप आपके आसपास में बॉयलर हो तो देखेंगे स्टीम निकलता है उसका, इतना साउंड आता है कि आपको हमेशा डिस्टर्ब रखता है। और कॉल सेंटर स्टाफ, यानी कि आप देखे होंगे कि अभी आजकल जो टेली कम्युनिकेशन की कंपनियाँ हैं बहुत सारे लोगों को हायर करती है, और दिन भर उनका काम है फ़ोन को रिसीव करना और कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और वो लोग हेडफोन लगा के रहते हैं क्योंकि हाथ तो बराबर अपने कान तक सटा के रख नहीं सकते, इसलिए उनको भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है एकॉस्टिक शॉक फॉर हेडसेट लगाने से होता है। उसके बाद इसका द इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस, हम जो नॉइज़ है इसका क्या इफेक्ट आता है हमारे बॉडी पे, हमारे दो तरह का इफेक्ट होता है, एक फिजिकल इफेक्ट और एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट में क्या होता है, जिसमें कोई हमारे बॉडी पार्ट्स जो है ख़राब हो चेंज हो, तो उसमें क्या है, उसमें फिजिकल इफेक्ट बोलते हैं। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट किसे बोलते हैं, जिसमें हमारा माइंड डिस्टर्ब हो, जिसमें कोई इस तरह का है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी कि हम डिस्टर्ब रहे, हमारा दिमाग डिस्टर्ब रहे। तो फिजिकल इफेक्ट में क्या होता है, तो इसमें टेम्प्रोरी कुछ चेंजेस होते हैं और कुछ परमानेंट चेंज होते हैं। जैसे आप देखे होंगे अगर लाउड नॉइस में जाएंगे तो कुछ समय तक आपको, मान लीजिए ट्रेन के आगे हैं और ट्रेन एकाएक हॉर्न दे दिया, आपको कुछ समय के लिए सुनाई नहीं देगा, बोलते हैं ना कुछ समय के लिए नहीं बहरा हो जाता है, तो उसमें क्या होता है टेम्प्रोरी है ये सब चीज़। और रिडक्शन इन हियरिंग, आप कुछ समय तक साउंड आवाज़ को, छोटे आवाज़ को भी नहीं सुन सकते हैं, और बाद में धीरे से नॉर्मल हो जाता है, तो टेम्प्रोरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट इसको बोलते हैं, यानी कि आपको जब भी ज़्यादा साउंड आपके कान दिया जाएगा तब छोटे साउंड को नहीं सुन पाएंगे कुछ समय के लिए। और रिंगिंग इन ईयर, यानी कि कान में जो है रिंगिंग होने लगता है, अगर आप झंझनाने लगता है, झुनझुनी होने लगती है, इसको बोलते हैं टेम्प्रोरी टिनिटस। और ये टेम्प्रोरी इफेक्ट है, फिजिकली चेंज होता है और कुछ पर फिर बाद में ये रिकवर हो जाता है, यानी कि आप ठीक हो जाते हैं। जब परमानेंट क्या है कि हमें लंबे समय तक, मतलब कि जब हम किसी साउंड को एक्सपोज होते हैं तो हमेशा रिंगिंग करने लगता है, जिसको टिनिटस बोलते हैं। और नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, आप देखे होंगे जब आदमी बूढ़ा होता है ना, तो उसको धीरे धीरे उसका शिफ्ट हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता है, छोटे साउंड ऊंचा सुनने लगता है, और ये क्या होता है नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कंटिन्यू आपके कानों में साउंड आ रहा है, तो आप कुछ समय के बाद आपको ऊंचा सुनाई देने लगेगा, इसको बोलते हैं परमानेंट थ्रेश होल्ड शिफ्ट। थ्रेश होल्ड क्या होता है जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साउंड हम कितना सुन सकते हैं बचपन में, मान लो जब हम ठीक ठाक हैं तब, और अभी मान लो हम अच्छे हैं तो अभी छोटा साउंड भी आप कोई बोलेगा धीरे से ही बोलेगा हमें सुनाई दे देगा, बट कुछ समय के बाद ये छोटा साउंड सुनाई नहीं देगा, इससे बड़ा साउंड ही सुनाई दे पाएगा, यानी कि धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे या जैसे जैसे हम किसी ज़्यादा नॉइस में काम करेंगे तो ये होता जाएगा, यानी कि अब कोई जोर से बोलेगा तभी हमें सुनाई देगा, धीरे से बोलेगा तो सुनाई नहीं देगा, इसी को बोलते हैं थ्रेश होल्ड शिफ्ट। थ्रेश होल्ड का मतलब ये होता है कि हम कितना साउंड सुन सकते हैं मिनिमम, वो थ्रेश होल्ड उसको बोलते हैं थ्रेश होल्ड लिमिट, और वो जो शिफ्ट होता है तो उसको बोलते हैं ये लॉस हो गया, हियरिंग लॉस।
और उसके बाद इनएबिलिटी टू हियर व्हीकल्स, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि कोई गाड़ी आसपास जा रही हो तो हम उसे नहीं सुन पाएंगे, और किसी तरह का वार्निंग सायरन वगैरह बजेगा इमरजेंसी का उसे भी हम नहीं सुन पाएंगे, और कोई इंस्ट्रक्शन देगा कन्वर्सेशन करेगा मेरे साथ बात करेगा तब भी हम इसको नहीं सुन पाएंगे। तो ये इसका फिजिकल इफेक्ट बॉडी पे पड़ता है नॉइज़ का। और फिजिकल साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ता है, स्ट्रेस, ज़्यादा साउंड में काम करेंगे तो एकदम तनाव में रहेगा दिमाग, और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, अगर आप पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं ना तो कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, अपने कामों में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा साउंड है तो। तो ये इसका दो इफेक्ट हो गया, फिजिकल इफेक्ट एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट। आइए देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है, हमारा जो कान है, वो कैसे काम करता है और क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे सुनते हैं पहली बात। तो इसमें ईयर जो है तीन पार्ट में होता है, एक होता है आउटर ईयर या मिडिल ईयर, और जो है आपका ये इनर ईयर, तीन पार्ट हो गए। तो आप देख रहे हैं कि ये बाहर का जो हिस्सा है इसको पिन्ना बोलते हैं, और इससे साउंड अंदर की तरफ जाता है, और यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑडियोट्री कैनाल, जिसमें हम लोग अपना हेडफोन वगैरह लगाते हैं ना, सॉरी ईयर प्लग वगैरह डालते हैं, ये कैनाल में ही डालते हैं ये जो होल है। और उसके बाद जस्ट होता है ईयर ड्रम, यहाँ पे एक ड्रम होता है, जैसे आप देखेंगे ढोलक का चदरा होता है ना, उसके ऊपर जब हम कुछ हाथ से आवाज़ दे मारते हैं तो क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है, उसी तरह का ईयर ड्रम होता है यहाँ पे। और ईयर ड्रम के बाद उससे तीन हड्डी लगी होती है जो कि साउंड को ट्रांसमिट करती है अंदर के पार्ट्स को, जिसको बोलते हैं पहले वाले को जो सटा रहता है जो ईयर ड्रम से, उसको बोलते हैं हैमर, जैसे आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको हैमर बोलते हैं। और उसके बाद जो है सेकेंड वाले को एनविल बोलते हैं, और थर्ड वाला जो आप देख रहे हैं ना ये शेप का, उसको स्टीरअप बोलते हैं। तो ये तीन जो है हड्डी हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल टाइप का रहता है इस अंदर में, और उसके बाद जिसको कोकलिया बोलते हैं, इस तरह का शेप रहता है, राउंड राउंड घुमा रहता है इस तरह का, इसको कोकलिया बोलते हैं। और ये है नर्व फाइबर, उसके बाद में नर्व फाइबर होता है इस तरह का, जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, तो इस तरह से जो है साउंड जो है ट्रांसमिट होता है, सबसे पहले आता है ईयर ड्रम को, और ईयर ड्रम में हिट करता है, फिर ये हड्डी वाइब्रेट होता है, फिर दूसरी वाली हड्डी वाइब्रेट, फिर तीसरी वाली हड्डी वाइब्रेट, और फिर जो है सेमी सर्कुलर, और इसमें फाइबर होते हैं अंदर में, कोकलिया के अंदर फाइबर होते हैं जो कि उसमें वाइब्रेशन आता है, जिससे ये नर्व जो है ना सिग्नल देता है ब्रेन को, और ब्रेन समझता है कि हाँ उसने कहा आम, मतलब वो समझ जाता है कि वो साउंड का मतलब क्या हुआ। जैसे हम बचपन में नहीं समझ पाते हैं ना, तो धीरे धीरे हम उस लैंग्वेज को जब समझते हैं तो हमारा दिमाग समझ लेता है कि ये शब्द आएगा, इस तरह का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल आएगा, इसका मतलब ये, इसका मतलब आम हुआ, इसका मतलब इमली हुआ। उस तरह से जो कोकलिया है ना उसके अंदर में इस तरह के बने होते हैं, आप देख रहे हैं ना इस तरह के फाइबर रहते हैं उसके अंदर में इस तरह के, और ये यही वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करता है। तो आप देख रहे हैं ये शेप में है, लेकिन जब ज़्यादा साउंड आने से ना ये डैमेज हो जाता है, और इसका शेप ऐसे हो जाता है, देख रहे हैं ना ये टूट गया है, ये इस तरह से बिखर गया है, जिसके चलते क्या होता है हमें सुनाई कम देता है। तो ये चीज़ है यहाँ पे जो कि हमें समझना है कि क्यों हमें सुनाई कम देने लगता है, क्यों कोई बहरा हो जाता है। तो ये जो फाइबर है ना ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जैसे जब हम थोड़े समय के लिए सुनाई नहीं दिया ना तो ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब में फिर बन के रिकवर हो जाता है, जब परमानेंट होता है ना तो इस तरह का जाता है, परमानेंटली इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद जो है आइए देखते हैं टर्मिनोलॉजी, यानी कि इसमें कौन कौन से वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो कि हमें समझना चाहिए अगर अच्छे से साउंड को समझना है तो, यानी कि नॉइज़ को समझना है तो। सबसे पहली बात साउंड प्रेशर, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि साउंड जब तक एयर नहीं रहेगा यानी कोई मीडियम नहीं रहेगा तब तक वो ट्रांसमिट नहीं होगा, मीडियम बहुत ज़रूरी है अगर साउंड को ट्रांसमिट होना है तो। तो जैसे सॉलिड में ज़्यादा ट्रांसमिट होता है, एयर में है, लिक्विड में है, अगर वैक्यूम है ना तो हमें सुनाई नहीं देगा, मैं बोलूँगा लेकिन आपको
सुनाई नहीं देगा। क्यों? ये प्रेशर जो है, एयर का प्रेशर जो है कान तक जाएगा नहीं, कान का जो ड्रम है, ईयर का जो ड्रम है वो वाइब्रेट होगा ही नहीं। तो उसी प्रकार साउंड का जो प्रेशर है ना, वो क्या होता है, द एयर प्रेशर ऑफ साउंड वेव्स मूविंग थ्रू द एयर, यानी कि ये क्या होता है, एयर प्रेशर होता है जो साउंड का प्रेशर होता है, और इसको एक्सप्रेस करते हैं, इसको नापते हैं किस में, डेसिबल में। कि डेसिबल एक यूनिट है जिसको लॉगरिथमिक स्केल पे मापा जाता है, और डेसिबल क्या होता है, द यूनिट ऑफ साउंड प्रेशर लेवल होता है, और सब्जेक्टिवली द लाउडनेस, यानी जितना ज़्यादा डेसिबल का साउंड होगा ना उतना ज़्यादा लाउड होगा, उतना ज़्यादा जोर से, यानी कि मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ ना तो ये ज़्यादा डेसिबल का साउंड है, धीमे बोल रहा हूँ यानी कि कम डेसिबल का साउंड है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होता है कि द नंबर ऑफ प्रेशर वेव्स पर सेकेंड, यानी कि जितना उसका प्रेशर जो है फास्ट मूव हो रहा है ना वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। यानी कि मैं जैसे बोला इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, जैसे मैं जोर से बोला इसकी थोड़ी, ये थोड़ी मोटा साउंड है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बस ऐसा नहीं शार्प आवाज़ रहता है, जैसे मैं टन ऐसे करूं, ये टन ये नहीं, जैसे आप लोहे पे ऊपर मारेंगे ना आप तो इसे आवाज़ आता है ना, उसकी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। आप देखेंगे ना यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड जो है आप देखेंगे। उसके बाद आप देखते हैं ए वेटिंग, ए वेटिंग क्या होता है कि ए वेटिंग होता है जब हमारा ईयर जो है आप जानते हैं कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ही हमारा कान सुन पाता है, ये हमारा फिर कान का फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो जब ईयर को सेंसिटिविटी को लेके हम मेजर करते हैं किसी चीज़ को ना, तो उसको बोलते हैं ए वेटिंग। और ये क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल करेक्टेड टू मैच ह्यूमन हियरिंग सेंसिटिविटी। तो जब भी हम किसी कान को लेके मेजर करेंगे ना, मतलब किसी ह्यूमन के लिए कोई साउंड मेजर करेंगे ना, तो उसमें ए वेटिंग का स्केल यूज़ करेंगे। जबकि सी वेटिंग में क्या होता है, साउंड प्रेशर लेवल करेक्टेड फॉर इम्पल्स नॉइस, जैसे एकाएक कुछ धमाका हुआ तो ए वेटिंग का साउंड उतना सेंस नहीं कर पाएगा जितना कि सी वेटिंग का जो मीटर है वो सेंस कर पाएगा। इसलिए जो है हमें दो इसकी वेटिंग है, ए और सी वेटिंग। उसके बाद जैसा कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, अब डेसिबल तो लिखा रहेगा लेकिन उसके साथ साथ वेटिंग भी अब लिखा रहेगा, यानी कि आप देख रहे हैं जीरो जो साउंड है, कोई आदमी जब बेहोश हो जाता है ना, फैंटेंस्ड ऑडियो साउंड, तो जो है जीरो डेसिबल का साउंड हो जाता है। 20 और 30 डेसिबल का जो साउंड है वो है क्वाइट लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी है जिसमें सब लोग शांत है पढ़ रहे हैं, यानी कि उसमें 20 टू 30 डेसिबल का साउंड है। 50 टू 60 डेसिबल का साउंड यानी कन्वर्सेशन जो हम बात कर रहे हैं ना अभी आपसे, ये 50 टू 60 डेसिबल का साउंड है। और 65 टू 75 जो है एक लाउड रेडियो जो है जोर से बजाते हैं गाना, वो 65 टू 75 होता है। और 90 टू 100 का जो साउंड है ना वो है पावर ड्रिल, जो पावर ड्रिल होता है ना उसमें 90 टू 100 का साउंड रहता है। और 140 जो है एक जेट जाएगा ना, जब लड़ाकू विमान जिसको बोलते हैं वो हमारे ऊपर से, तो उसका साउंड जो है वन, देखते हैं ना कितना जोर से जाता है, एकदम कान बंद करना पड़ता है, उसको बोलते हैं 140 डेसिबल का साउंड। और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो डेसिबल स्केल है उसको इज लॉगरिथमिक स्केल है, लॉग स्केल है वो। और लॉग स्केल में क्या होता है ना कि इस तरह का थोड़ा सा भी चेंज करने से ना एकदम फास्ट बढ़ता है, इस तरह का अगर ये अगर एक्सिस इस तरह का बनाए हम और थोड़ा सा भी एकदम फास्ट चेंज होता है। मतलब अगर अगर मान लेते हैं कि अभी साउंड जो है 10 है, ठीक है ना, 10 डेसिबल है, और अभी साउंड जो है इसको बढ़ा दिया, अभी ये 13 डेसिबल हो गया, तो ये 3 जो बढ़ाया गया ना, इसमें जो प्लस 3 किया गया, ये साउंड प्लस 3 नहीं हुआ, ये डबल हो गया साउंड, यानी कि पहले से 10 गुना, सॉरी पहले से डबल हो गया साउंड, यानी कि हर 3 डेसिबल जब हम ऐड करते हैं ना तो साउंड की जो इंटेंसिटी है ना वो डबल हो जाता है, यानी कि 2 गुना हो जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि अगर 100 साउंड है और जैसे ही 103 हुआ डेसिबल, इसका मतलब कि 103 मतलब ऐसे नॉर्मल उसको नहीं देखेंगे, ये डबल साउंड हो गया, 100 का डबल साउंड हो गया। तो जैसे 100 का डबल क्या होता है, 200 होता है, बट इसमें क्या है, लॉगरिथमिक स्केल है, इसलिए 103 कहने के बाद ही ये डबल हो गया। तो ये आप समझ लीजिए कि साउंड कैसे। अब बात आ गई कि नॉइस एक्सपोजर स्टैंडर्ड, हर कंपनी जो है, हर कंट्री जो है या जो भी गवर्नमेंट है वहाँ की, वो एक स्टैंडर्ड सेट करती है
कि कितना साउंड में आदमी काम कर पाएगा, कितना में नहीं कर पाएगा, कितने में क्या करना चाहिए, उसके लिए जो है यहाँ पे एक या हमारा भी एक काम करने का स्टैंडर्ड होगा ना कि हम कितने साउंड में काम करेंगे, कितने देर तक कर सकते हैं। देखो कई जगह तो हम साउंडों को हटा नहीं सकते, काम तो करना ही पड़ेगा। द टू फैक्टर्स विच डिटरमाइन द डिग्री ऑफ हार्म, हमारे कान को नुकसान पहुंचने के लिए दो फैक्टर जो है कंसिडर करना पड़ेगा। एक तो नॉइस लेवल बताया कि ज़्यादा नॉइस में काम करेंगे तो होगा, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। आप मान लेते हैं कि कंटिन्यू नॉइस, जैसे कोई आदमी गया एक घंटे के लिए काम करके आ गया ज़्यादा नॉइस में, कोई आदमी आठ घंटा काम कर रहा, दोनों पे अलग अलग इफेक्ट आएगा क्योंकि उसका जो फाइबर है ना वो ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर और नॉइस लेवल, ए नॉइस असेसमेंट इज अंडरटेकन टू मेजर द नॉइस लेवल एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। ये नॉइस असेसमेंट जो होगा ना, इसमें हम दोनों मेजर करेंगे, नॉइस लेवल भी और कितना घंटा उसमें आदमी काम किया। दिस इज देन यूज टू मेक एन एस्टिमेट ऑफ वर्कर्स पर्सनल एक्सपोजर टू नॉइस। ये कोई वर्कर कितना पर्सनली एक्सपोज हुआ नॉइस से, कितना नॉइस के संपर्क में आया, इससे जो है हम लोग एस्टिमेट करते हैं ये दोनों मेजर करने के बाद। पर्सनल एक्सपोजर इज देन कंपेयर टू द लीगल स्टैंडर्ड। अब मैं बताया गवर्नमेंट सेट करती है कि एक आदमी आठ घंटे में कितने नॉइस में काम कर सकता है, या दोनों का वहाँ पे लीगल स्टैंडर्ड सेट किया जाता है। अगर हम उसको मेंटेन नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है, हमारे कामों को बंद करवा सकता है, उस डिपार्टमेंट को बंद करवा सकता है। मेजरमेंट एंड असेसमेंट मस्ट बी अंडरटेकन बाय द कॉम्पिटेंट पर्सन। और ये सब जो मेजरमेंट है ये किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए, मतलब जिसके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, एबिलिटी ये सब हो। तो आइए देखते हैं कि नॉइस एक्सपोजर स्टैंडर्ड क्या है। आप देख रहे हैं ना पर्सनल नॉइस एक्सपोजर। पर्सनल नॉइस एक्सपोजर क्या होता है, हर आदमी जो काम कर रहा है सबको एक जैसा नॉइस नहीं मिल सकता, मतलब कि वो एक्सपोज नहीं हो सकता। जैसे मान लेते हैं हम दोनों एक ही एरिया में काम कर रहे हैं, बट आप अलग कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं, हमारे हम जो है हो सकता है जहाँ नॉइस सोर्स हो हम वहीं पर काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा एक्सपोजर होगा, दूसरे को कम होगा, यानी कि डोज हमारा कम होगा, हमारा ज़्यादा हो सकता है, उसका कम हो सकता है। तो द डेली पर्सनल नॉइस एक्सपोजर, जिसको हम शॉर्ट में LEPD बोलते हैं, इज़ ए वर्कर कैलकुलेटेड 8 आवर नॉइस एक्सपोजर। इसको बोलते हैं 8 आवर्स में कितना उसने नॉइस एक्सपोज हुआ, इसको बोलते हैं डेली पर्सनल नॉइस एक्सपोजर। वर्कर्स एक्सपोजर टू ए सिंगल पीक ऑफ एक्सपोजर इम्पल्स नॉइस इज ऑल्सो मेजर्ड, दिस इज पीक साउंड प्रेशर। इसको भी मेजर करते हैं कि वो पूरे दिन में कितना पिक साउंड, मतलब ज़्यादा जोर से साउंड को उसने सफ़र हुआ, एक्सपोज हुआ। तो नॉइस एक्सपोजर स्टैंडर्ड जो है सब्जेक्टेड टू नेशनल लॉ अराउंड द वर्ल्ड। नेशनल लॉ है वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग लॉ है। नो हार्मोनाइज स्टैंडर्ड, कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि देखो आप ये रूल याद कर लो हर जगह काम आएगा, ऐसा कोई नहीं है। जिस कंट्री में आप काम करेंगे ना उसके अनुसार अलग अलग इसके स्टैंडर्ड है, आपको वहाँ का रेगुलेशन देखना पड़ेगा। जैसे ये UK बेस्ड कोर्स है तो UK में क्या चलता है देखते हैं। देयर आज लेड आउट द कंट्रोल ऑफ नॉइस एट वर्क रेगुलेशन 2005, वहाँ पे एक रेगुलेशन है जो या फॉलो EU डायरेक्टिव, जो यूरोपियन यूनियन है उसका डायरेक्टिव जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपके कंट्री में कोई भी इस तरह का नहीं है तो चाहे तो आप UK का फॉलो करिए या यूनियन यूरोपियन यूनियन का जो डायरेक्टिव है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ का स्टैंडर्ड है। आइए देखते हैं कि उसके स्टैंडर्ड हैं क्या। तो लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, देखो दो तरह का होता है, एक होता है लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, एक होता है अपर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, एक होता है लिमिट वैल्यू। जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने सेट किया कि आपको 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 जो है 87 डेसिबल से ज़्यादा काम नहीं करना है, काम बंद कर देना है, लेकिन कब से स्टार्ट करना है इसका भी तो होना चाहिए ना, उसको बोलते हैं लोअर। जैसे लोअर है इसमें जो दिया हुआ है 80 डेसिबल साउंड जब आएगा तो आपको अलर्ट हो जाना है और आपको वहाँ पे PPE प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर देना है। लेकिन इसमें ऐसा कह रहा है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें लें, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं रहेगा। जब अपर आएगा ना, आइए पहले समझ लेते हैं, ये डेली और वीकली पर्सनल नॉइस एक्सपोजर अगर 80 डेसिबल है इसको बोलते हैं लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू। और अगर पिक साउंड की बात करें, जैसे ए वेटिंग है ये कान के लिए और ये सी वेटिंग ये इम्पल्स साउंड के लिए होता है 135 डेसिबल, ये लोअर है। अपर क्या है, इससे 80 है, 85 है, ये 135 है, ये 137 है। लिमिट वैल्यू क्या है, इससे ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पर आने पर काम बंद कर देना तुरंत, और ये है 140। ठीक है, तो वेयर
एम्प्लॉय एक्सपोजर वेरीज मार्कली फ्रॉम डे टू डे, द वीकली पर्सनल नॉइस एक्सपोजर कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ डेली पर्सनल एक्सपोजर। यानी कि वीकली ज़्यादातर मेजर करते हैं, वीकली अच्छा रहता है क्योंकि पर डे का नहीं, एक वीक में कितना एक्सपोजर हुआ इसमें से कोई भी मेजर करेंगे। तो लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, जब अगर आपके अगर वर्क प्लेस पे आपको 80 डेसिबल का साउंड मिल जाए, जैसे आप देख रहे हैं पिछले 80 डेसिबल का साउंड आपको मिल जाए, अगर आपका साउंड 80 डेसिबल का साउंड होता क्या है, 85 डेसिबल का साउंड, कि जब दो व्यक्ति बात कर रहा है एक मीटर दूरी पे है और पीछे से नॉइज़ आ रहा है, आप दोनों की बात अगर सुनाई दे रहा है तब तो 85 से कम है। अगर दोनों की बात सुनाई नहीं दे रहा है, एक मीटर की दूरी पे है, इसका मतलब वहाँ नॉइज़ ज़्यादा है। ये भी एक तरीका है, आप इस तरह से भी मेजर कर सकते हैं, बट सबसे अच्छा रहेगा इसका जो मीटर आता है उसको आप यूज़ करें। तो कैरी आउट नॉइज़ असेसमेंट, तो जब 80 डेसिबल का साउंड अगर साइट पे है तो इसको डेली कह रहा है, एक्सपोजर लिमिट जो है इसका डेली का है, इस तरह का हो तो कैरी आउट नॉइस असेसमेंट, नॉइस असेसमेंट करें, पता करें कि नॉइस असेसमेंट करने का मतलब क्या, वहाँ मापे कि डोज कितना है, साउंड का लेवल कितना है, और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, अपने वर्करों को बताएं कि देखो नॉइस आपके कानों के लिए ख़तरनाक है और इससे बचाव करें, इससे ईयर प्लग वगैरह लगाएं, और मेकिंग हियरिंग प्रोटेक्शन अवेलेबल, साथ में उनको PPE दे दें ताकि आप ज़्यादा नॉइस में अगर काम करने जा रहे हैं तो PPE पहन ले, यानी कि ईयर मफ या ईयर प्लग का यूज़ करिए जिससे कि आपको कानों को डैमेज ना हो। उसके बाद जो है अपर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू, अगर मान लेते हैं आपके साइड पे अपर मिल गया, यानी कि आपके साइड पे आपके साइड पे अपर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू है, ये कैसे मालूम चलेगा, कोई आदमी को आपने चेक किया, उसको मीटर पहनाया और उसको छोड़ दिया, अगर उसका मीटर बता रहा है कि 85 डेसिबल से ज़्यादा ये इसका डेली का एक्सपोजर लिमिट है साउंड का, तो आपको क्या करना है, तुरंत कैरी आउट नॉइस असेसमेंट करना है, पता करना है, और उसके बाद रिड्यूस नॉइस एक्सपोजर बाय इंजीनियरिंग कंट्रोल एज लो एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल, जितना हो सके उसको कम करना है, ठीक है ना। यानी कि लोअर में था कम नहीं करना था, इसमें क्या है कि आपको इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाना है, यानी कि उसको मेंटेनेंस करना है, उसका इंक्लोजर लगाना है, कुछ भी ऐसा करना है जिससे कि साउंड का कम हो जाए लेवल। इफ़ नॉइस इज स्टिल अबव 85 डेसिबल, अगर अभी भी कम नहीं हुआ 85 डेसिबल से, तो क्या करेंगे, आपको उस साइड को मैंडेटरी हियरिंग प्रोटेक्शन जोन बनाना है, यानी कि जो लोग इसमें काम करने जाएगा मैंडेटरी उसको हियरिंग प्रोटेक्शन पहनना पड़ेगा, PPE पहनना पड़ेगा, साथ में उसको सब लोगों को अब ट्रेनिंग देने की आवश्यकता हो जाएगी, ट्रेनिंग देना पड़ेगा नॉइज पे, और प्रोवाइड हियरिंग प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्स यूज, साथ में हियरिंग प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, साथ में यूज़ करने के लिए इन्फोर्स करना पड़ेगा, भाई आपको करना ही करना है, नहीं करोगे तो आप फाइन पेनल्टी लगा सकते हैं, और उसके बाद समय समय पर उसका हेल्थ सर्विलियंस करना है, यानी कि उसके कानों को चेक करना है कुछ समय के बाद कि इसमें कितना डैमेज हुआ, क्योंकि अगर ज़्यादा डैमेज हुआ तो उसे हटाना पड़ेगा, दूसरे डिपार्टमेंट भेजना पड़ेगा, अदरवाइज गवर्नमेंट भी वो चाहे अगर कोर्ट में जाए तो आपको केस कर सकता है। नॉइस एक्सपोजर स्टैंडर्ड्स यानी कि एक्शन ट्रिगर्ड, अब मैंने दो बात किया अपर और लोअर का, लोअर और अपर का बात किया, अब एक्सपोजर लिमिट वैल्यू, ये उससे ज़्यादा होता है 87 डेसिमल, और इमिडिएटली प्रिवेंट एक्सपोजर और रिड्यूस बिलो द लिमिट वैल्यू, इसमें क्या है तुरंत काम को बंद करना है और आपको तुरंत एक्शन लेना है, एक्सपोजर को कम करना है और रिड्यूस करना है इसको लिमिट वैल्यू के बिलो, ठीक है ना, अपर के बिलो कर दीजिए इसको, तब जाके आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज काम को बंद करना पड़ेगा। द ELV एक्सपोजर लिमिट वैल्यू इज एन एब्सोल्यूट सीलिंग अबव विच एक्सपोजर मस्ट नॉट गो, ये बताता है कि इसके ऊपर आपको जाना ही जाना नहीं है, 87 से ऊपर आपको जाना ही नहीं है, इसके नीचे ही रहना है हमेशा, और इसको कंट्रोल वे में रखना है। आइए कुछ एग्जांपल हैं, एक्सरसाइज है आपके लिए जो कि आपको खुद करने हैं। ए नॉइस सर्वे हैज़ बीन कैरिड आउट एंड देर आर टू वर्क एरिया ऑफ कंसर्न, नॉइस सर्वे किया गया मतलब नॉइस को चेक किया गया कहाँ पे कितना है, दो एरिया में, टू एरिया ऑफ कंसर्न, जहाँ
प्रॉब्लम था वहाँ पे, नॉइस सर्वे किया गया। एक मशीन शॉप जिसका नॉइस लेवल कितना आया 83 डेसिबल थ्रू आउट द शिफ्ट, पूरे 8 घंटे में, है ना, शिफ्ट 8 घंटे का ही होता है। वुड वर्किंग एरिया में नॉइस लेवल कितना आया 90 थ्रू आउट द शिफ्ट। डिस्कस द एक्शन दैट वुड नीड टू बी टेकन इन ईच एरिया। अब क्या लेना है एक्शन इसके बारे में, आइए देखते हैं। तो 80 था, 85 था और 87 था, ये तीन लेवल थे। ये अपर, सॉरी ये लोअर लिमिट था, ये अपर था और ये एक्सपोजर लिमिट था, एक्सपोजर लिमिट वैल्यू, ठीक है, सॉरी इसमें लिख दिया, ठीक है, 80 था, 85 और 87। तो अभी फर्स्ट वाले में कितना है 83, इसमें हम क्या करेंगे, केवल कैरी आउट करेंगे असेसमेंट, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देंगे और क्या करेंगे, उनको पीपीई प्रोवाइड कर देंगे, इतना ही काम है इसमें, ठीक है ना। और क्योंकि ये 80 ये किस में आएगा, ठीक है ना, ये सेम ऐसे ही आप देख लीजिए, यहाँ भी दिया हुआ कि लोअर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू अगर 80 डेसिबल है या इससे ज़्यादा है तो नॉइस असेसमेंट करेंगे, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, प्रोवाइड हियरिंग प्रोटेक्शन बट वर्कर डू नॉट हैव टू वियर इट, ठीक है ना, पहन सकता है नहीं पहन सकता है। वुड वर्किंग एरिया में आप देख रहे हैं कि 90 डेसिमल से अबव हो गया, हमारा एक्सपोजर लिमिट कितना था 87। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तुरंत जो है अपर एक्सपोजर एक्शन वैल्यू कितना है 85 और इससे ज़्यादा हो गया, यानी कि नॉइस असेसमेंट करना पड़ेगा। रिड्यूस नॉइस एक्सपोजर बाय इंजीनियरिंग मींस इफ नॉइस इज स्टिल 85 डेसिमल, अगर कम करने के बाद भी 85 डेसिमल रहा तो उसको क्या करना है, मैंडेटरी हियरिंग प्रोटेक्शन जोन बनाना है, इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग देना है, प्रोवाइड हियरिंग प्रोटेक्शन एंड इन्फोर्स यूज एंड हेल्थ सर्विलियंस, ये हमारा एक्शन होगा। तो आइए देखते हैं कि अब नॉइस को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बेसिक नॉइस कंट्रोल मेजर क्या है, हाउ नॉइस ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। आप देख रहे हैं ये मशीन यहाँ पे चल रहा है और मशीन चलने से नॉइस जो है ट्रांसमिट होता है, ये नॉइस का सोर्स है। ये हमारे कान तक पहुंचने का दो तरीके हैं, डायरेक्ट जा सकता है या किसी छत से टकरा के, सीलिंग वगैरह से टकरा के कान में आ सकता है, या नीचे का जो फ्लोर है ना उसके थ्रू भी ट्रांसमिट होता है। मैंने बताया कि सॉलिड में ज़्यादा साउंड चलता है, एयर कोई मीडियम चाहिए साउंड को ट्रांसमिट होने के लिए। तो इसमें हम लोग अलग अलग जगहों पे क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट नॉइस पाथ है, ये रिफ्लेक्टेड नॉइस पाथ है, नॉइस सोर्स है, स्ट्रक्चर पाथवे है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बेसिक नॉइस कंट्रोल मेजर ये है। हम लोगों ने पढ़ा था IGC 1 में कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल मेजर, कंट्रोल करने के लिए एक हायरार्की था 5 स्टेप का, 5 स्टेप थे उसमें। फर्स्ट जो है हमारा था रिड्यूस नॉइस, आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें वो सबको यूज़ करेंगे, यानी कि इसमें हम तीन जगहों पे कंट्रोल कर सकते हैं, या तो नॉइस को यहाँ सोर्स पे ही हम इसको कंट्रोल कर लें, या यहाँ पे कुछ बैरियर डाल दें पाथवे में कंट्रोल कर लें, या जहाँ रिसीवर है उसके कान में कुछ लगा दें, है ना, ये तीन जगह पे कर सकते हैं, एक यहाँ पे कर सकते हैं सोर्स पे पाथवे में कर सकते हैं, और एक जो रिसीवर है वहाँ पे कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, रिड्यूस नॉइस एट सोर्स पे, एक पाथवे पे इंटरप्टिंग द पाथवे, और एक रिसीवर प्रोटेक्टिंग रिसीवर, ये तीनों काम हम कर सकते हैं एक साथ या अलग अलग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रिड्यूस नॉइस एट सोर्स, एलिमिनेट करें, यानी कि अगर कोई डीजल इंजन यूज़ कर रहा है, अगर उसके जगह पे इलेक्ट्रिकल का इंजन यूज़ कर दे तो क्या होगा, रिड्यूज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इसकी जगह पे, ये है ना, यानी कि कोई मशीन कुछ ऐसा प्रोसेस है जिसको हम यहाँ करने में साउंड आता है तो कहीं दूसरे से करके मंगा लें, तो कभी कभी संभव नहीं भी रहता है ये सब चीज़, ठीक है ना। एलिमिनेट करना मतलब पूरी तरह से उसको हटा देना
जैसे मैं बता दूं कि सब्स्टिट्यूट में क्या आएगा, जैसे कि हम अभी रिपीटिंग कर रहे हैं प्रेशर से रिपीटिंग, और उसको जब स्क्रू अगर यूज़ कर दें तो क्या होगा, साउंड तो कम हो गया ना। हम रिपीटिंग कर रहे थे उसके जब नट बोल्ट यूज़ कर दिए तो क्या होगा, साउंड तो कम हो गया ना। ये सब टेक्निक है। मॉडिफाई द प्रोसेस, प्रोसेस ऐसा कर दीजिए जिसमें साउंड ही ना निकले। कोई मशीन जो है बहुत पुराना हो गया, बहुत फ्रिक्शन आ रहा है उसमें, है ना, तो उसको मेंटेनेंस कर दें, प्रॉपर ऑयलिंग ग्रीसिंग कर दें तो क्या होगा, उसका साउंड कम हो जाएगा। आप देखें होंगे अगर एक साइकिल या मोटरसाइकिल है बहुत साउंड कर रहा हो, उसमें प्रॉपर ऑयलिंग कर देना तो बहुत शांत चलता है। डैम्पिंग, डैम्पिंग कर दें उसमें कुछ ऐसा, देखेंगे कोई पार्ट से जिसको हैमरिंग करने से बहुत साउंड आता है, कुछ ऐसा उसके ऊपर लगा दे, डैम्पिंग करना बोलते हैं उसको। साइलेंसिंग, आप देखे होंगे बाइक वगैरह बहुत साउंड करता है अगर साइलेंसर ना हो तो उसमें हम क्या करते हैं, साइलेंसर लगा देते हैं तो चुप हो जाता है, ये भी एक तरीका है। तो ये सब क्या है, सोर्स पे ही कंट्रोल करने का है। आप इसके एग्जांपल और भी नेट में सर्च करिए, आपको मिलेगा। और पाथवे पे कैसे कंट्रोल करेंगे, मान लेते हैं कि एक आपने घर में जनरेटर लाया है, बहुत साउंड कर रहा है, डीजी है, और सबसे पहले क्या करते हैं उसको, एक ऐसे घर में ले जाकर रखते हैं ना जहाँ पे एकदम कोने में हो, साउंड ना आए। उसके बाद क्या करते हैं, उसके पूरे दरवाजे वगैरह को बंद रखते हैं, यानी कि पाथवे उसका इंटरप्ट कर दें, उसमें इंसुलेशन लगा देते हैं, ज़्यादा जो साउंड होगा ना उसमें देखना उसका चारों तरफ से कवर रहेगा, उसमें फोम टाइप के वाल में लगे जिसको एक्वेस्टिक बोलते हैं मटेरियल, वो लगा रहता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। या आप अगर देखेंगे कहीं भी जो ऑडिटोरियम वगैरह होता है ना उसके वॉल पे, हॉल वगैरह में देखे होंगे ना, हॉल में छत पे साइड में फोम टाइप के लगे रहते हैं छेद वाले ऐसे, तो हम क्या करते हैं उसके पाथ को कंट्रोल करते हैं, यानी कि इंसुलेशन करते हैं, आइसोलेशन और एब्जॉर्बन। एब्जॉर्बन बताया ना, जो उसका वाल जो है अगर उसमें परफोरेटेड हो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। उसी प्रकार अगर इंसुलेशन, आइसोलेशन और एब्जॉर्बन ये संभव है तो करेंगे ये सारे चीज़, ये भी कर सकते हैं, प्रोटेक्ट द रिसीवर। कई जगह पे ये संभव नहीं होता है कि हम मशीन को ऐसे बिना साउंड वाले लाएं, वो साउंड करेगा ही करेगा। कई जगहों पे ये भी संभव नहीं होता है कि उसको कवर कर दे, हमारे इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, कवर नहीं कर पाते हैं उसको, तो क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत साउंड आ रहा है, पूरे प्लांट को कैसे कवर करेंगे, हर मशीन मेंटेनेंस करने के बाद भी साउंड देगा, उसका वही डिजाइन ही है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा छोटा जो है उसको बोलते हैं एक्वेस्टिक हेवन बना देते हैं, एक जो है घर बना देते हैं छोटा सा, जिसमें पूरी तरह से वो बढ़िया से इंसुलेटेड रहेगा, बढ़िया से उसमें साउंड अंदर नहीं जाएगा, और ऑपरेटर जो है उसमें अंदर बैठेगा बिना काम, जब काम नहीं रहेगा तो। इसको बोलते हैं एक्वेस्टिक हेवन। और उसके बाद अगर बाहर जाएगा काम करने के लिए तब तो साउंड उसके कान में आएगा ही, क्योंकि ये हमारा ये सब फेल हो चुका है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग हियरिंग प्रोटेक्शन, ईयर प्लग दे देते हैं, देखो इस एरिया में काम करना, ईयर प्लग लगा कर रखना, ईयर मफ लगा कर रखना। तो ये जो है लास्ट है, ठीक है ना। तो ये हमारे तीन तीन स्टेप में हम कर सकते हैं नॉइस को कंट्रोल, एक तो सोर्स पे, दूसरा पाथवे, तीसरा रिसीवर। उसके बाद हियरिंग प्रोटेक्शन जो है, आइए देखते हैं कि को किस किस तरह के होते हैं। तो ईयरिंग जो ईयर जो ये प्रोटेक्शन है ना, एक ईयर डिफेंडर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मफ, ईयर मफ बोलते हैं। आप देख रहे हैं ना ये रेड कलर का जो आदमी पहना हुआ है, काम कर रहा है यहाँ पे, ये ईयर मफ है। इन केस द ईयर एंड बोन्स सराउंडिंग द ईयर, ये कान के चारों तरफ ना इन केस कर देता, एकदम बंद कर देता है ताकि साउंड अंदर जाए ही नहीं, बोन को ऊपर भी। और ईयर प्लग जो कि कान के जो कैनाल होता है ना, जैसे ये कान है मान लेते हैं, इसका जो होल है ना इसमें आके फिट बैठ जाता है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं ईयर प्लग। प्लग समझ रहे हैं ना, ये अंदर जाएगा ऐसा। तो आइए कुछ आपके लिए एक्सरसाइज है, यानी कि डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ईयर डिफेंडर मफ टाइप एंड ईयर प्लग एज फॉर्म ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन। दोनों ही हियरिंग प्रोटेक्शन है, और इसका एडवांटेज और लिमिटेशन क्या है देख लेते हैं। तो पहली बात कि जो पहनेगा, जो ईयर प्लग को पहनेगा उसी को प्रोटेक्ट करेगा, सबको तो करेगा नहीं। तो ये क्या है, सबसे पहले जो ईयर डिफेंडर है या ईयर मफ है, सॉरी ईयर मफ टाइप या ईयर प्लग जो है, वो दोनों डिपेंड करता है कि अगर आप
अच्छे से नहीं पहनते हैं कि यूज़ फॉर ऑल एक्सपोजर टाइम, अनकम्फर्टेबल होता है, रिक्वायर सुपरविजन, जैसे कोई सुपरवाइजर नहीं है तो आप नहीं पहनेंगे क्योंकि पहनने से कान दर्द करता है, मतलब कि लगता है कि कुछ दब गया, मतलब वहाँ थोड़ा दर्द स्टार्ट हो जाता है। रिक्वायर मेंटेनेंस में इंटरफेयर विद द कम्युनिकेशन अलार्म, जब आप लगा लें कुछ भी सुनाई नहीं, बात करना है तो हटाना पड़ेगा किसी से। ईयर मफ क्या होता है कि मफ में भी इनकम्पेटेबल विद द पीपी, हेलमेट पहने हो सकता है उसके ऊपर ईयर मफ न लगे, ये भी प्रॉब्लम होता है। उसके बाद गुड फिट, नो फेशियल हेयर ज्वेलरी ईटीसी, अगर फेशियल ज्वेलरी वगैरह न होना तभी जाके अच्छे से फिट बैठेगा। और ईयर प्लग में क्या होता है कि मस्ट बी फिटेड प्रॉपरली इन टू ईयर कैनल, कान में तो डालते हैं लेकिन वो बाहर निकल आता है, ये प्रॉब्लम होता है उसमें। मे इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन, अगर बार बार, जैसे एक कान में इन्फेक्शन है एक कान में नहीं है तो आप बार बार चेंज करेंगे तो इन्फेक्शन भी फैलने का चांस रहता है, या दूसरे का यूज़ कर रहे हैं तो। नो इजी टू सुपरवाइज, कांट सी देम, ईयर प्लग आपने लगाया कि नहीं, नहीं दिखता है, बाल आपका ऊपर है दिखेगा ही नहीं कि वो आदमी ईयर प्लग लगाया है कि नहीं। मे बी रॉन्ग फ्रीक्वेंसी टाइप और अटेंशन लेवल, उसका हो सकता है कि जो नॉइस जो रिडक्शन लेवल है ना वो ज़्यादा नहीं करता हो, यानी कि जितना हमारे वर्क प्लेस पर साउंड है उसको कम नहीं कर पा रहा हो, ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद आइए देखते हैं ईयर डिफेंडर और मफ जो है इसके एडवांटेज और लिमिटेशन। इसका एडवांटेज ये होता है इजी टू सुपरवाइज एंड इन्फोर्स यूज एज दे आर विजिबल, दूर से ही पता चल जाएगा कोई कान में ईयर मफ लगाया है। ईयर मफ मतलब क्या, इस तरह का कान में हम जो लगाते हैं ना ईयर मफ, और लेस चांस ऑफ ईयर इन्फेक्शन, इसमें कान के अंदर नहीं जाता है ना तो इन्फेक्शन बढ़ने का चांस नहीं है। हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन पॉसिबल थ्रू ऑल द साउंड फ्रीक्वेंसी बोन ट्रांसमिशन, ये ज़्यादा बढ़िया से साउंड को रिड्यूस कर पाता है, जबकि ईयर प्लग है ना वो अच्छे से लगता नहीं है, और कान के थ्रू जो कान के ऊपर की हड्डी है ना जिसको पिन्ना बोलते हैं उसके थ्रू और साउंड जाता है। आप लगा के देखना, अगर आप लगाया होगा तो मालूम होगा कौन दोनों में ज़्यादा अच्छा है। कैन बी इंटीग्रेटेड विद द अदर पीपी, हेलमेट के ऊपर भी यहाँ पे होल रहता है उसमें लग जाता है ये, और रीयूजेबल, इसको बार बार लंबे समय तक यूज़ करते हैं, जबकि ईयर प्लग क्या होता है दो चार दस दिन में, दो चार दिन में ही ख़राब हो जाता है, फेंकना पड़ता है। अनकम्फर्टेबल वेन ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, जब लंबे समय तक आप पहनेंगे ना तो ये कम्फर्टेबल नहीं, कान दर्द, ये कान की हड्डी ये जो है ना दर्द करने लगता है। मस्ट बी रूटीनली इंस्पेक्टेड क्लीन एंड मेंटेन, समय समय पे इसको मेंटेनेंस चाहिए, हो सकता है उसका रबड़ जो है फट गया। इफिशियंसी मे बी रिड्यूस बाई लॉन्ग हेयर और स्पेक्टिकल्स और ईयर रिंग्स, अगर कान में अगर कुछ पहने हैं ना तो बैठेगा नहीं फिट, बड़ा बड़ा बाल है ना तो उसमें साउंड आएगा बाल के थ्रू, ये सब प्रॉब्लम है। इनकम्पेटिबल विद द सम अदर आइटम्स और नीड डेडिकेटेड स्टोरेज फैसिलिटी, अब इसको बैग में भी रखने का एक जगह चाहिए, चाहे आप एक स्टोरेज फैसिलिटी, जब ईयर प्लग क्या होता है कहीं रख लीजिए उसको। उसके बाद जो है एडवांटेज ऑफ ईयर प्लग, ईयर प्लग जो है ना जैसे इस तरह का होता है ये, इस तरह से और इस तरह से कान में इसको आप घुसा सकते हैं, इस तरह से रबड़ का इलास्टिक बना रहता है, जिसको आप दबाएंगे ना तो ये पतला हो जाएगा, कान में जाकर फैल जाता है। ये चीप होता है, बहुत कम पैसे मिल जाता है, डिस्पोजल भेज सकते हैं। ऑप्टेन ऑफर मोर कंफर्टेबल टू वियर, डू नॉट इंटरफेयर विथ एनी आइटम, कोई भी आइटम पहने कान में इसको घुसा लीजिए, किसी से ये इंटरफेयर नहीं करेगा। डिफिकल्ट टू सी, ये इसको सुपरवाइज करना बड़ी मुश्किल है, और उसके बाद रिस्क ऑफ इंस्पेक्शन इसमें ज़्यादा रहता है, क्रॉस कंटामिनेशन एक कान से दूसरे कान में होने का चांस रहता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज या डिसएडवांटेज हैं ईयर प्लग के। अब बात आ गई हियरिंग प्रोटेक्शन, विच टाइप्स ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन इज चूजन, अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर। अब मान लीजिए कि आपके साइट पे किस तरह का हियरिंग प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है, कैसे आपको मालूम चलेगा, तो ये इसके मालूम करने के लिए आप विच टाइप्स ऑफ हियरिंग प्रोटेक्शन इज चूजन अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर, यानी कि इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए कि कौन सा ईयर प्लग पहनना है या ईयर मफ पहनना है, कहाँ पे सेफ स्टोरेज का व्यवस्था करना चाहिए, इसके क्लीनिंग का व्यवस्था करना चाहिए, मेंटेनेंस का और रिप्लेसमेंट का, जैसे आप देख रहे हैं ना ये पहने हुए हैं। तो जब हम इसको प्रोवाइड करते हैं ना तो ये सारा चीज़ हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्टोरेज के लिए भी, क्लीनिंग के लिए भी, और साथ में अगर बताएंगे नहीं कैसे यूज़ करना है तब भी नहीं हो पाएगा। अब बात आ गई कि जैसे मैंने बताया कि
साउंड 90 है और अपर लिमिट कितना है 85 डेसिबल। अगर साउंड 90 है तो इसको डाउन करना पड़ेगा ना, 85 बिलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, अपर से बिलो नहीं जाना है मान लेते हैं। तो आपका जो ईयर प्लग या ईयर मफ रहेगा उसमें तो उतना कम करने की क्षमता होनी चाहिए ना, उसको बोलते हैं एटेन्यूएशन। इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द नॉइस इन द वर्क प्लेस, कितना नॉइस है फ्रॉम सर्वे से बताना चाहिए, और एटेन्यूएशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हियरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, नॉइस रिडक्शन रेट NRR जो है आप देखेंगे ना ईयर प्लग या ईयर मफ में लिखा रहता है, ईयर प्लग का जो पॉलीथीन होगा ना उसके ऊपर लिखा रहेगा NRR, लिखा रहेगा 30। इसका मतलब ये है कि 30 डेसिमल साउंड कम कर सकता है, यानी कि 90 है ना, अगर कोई कान में सही से लगाता है तो ये हो जाएगा 60 डेसिबल, यानी कान में पहुंचेगा 60 डेसिबल। उसी प्रकार हर जितने भी हियरिंग प्रोटेक्शन होंगे ना उसके उसके NRR होंगे, ये आपको देखना है, मैन्युफैक्चरर लिख के देगा उस पर। तो ईयर डिफेंडर मफ गिव हायर एटेन्यूएशन देन ईयर प्लग, और ईयर जो डिफेंडर है ना उसका ज़्यादा ये NRR होता है आप देखना, और ईयर प्लग से ज़्यादा होता है, यानी कि ईयर प्लग कम इफेक्टिव है, ईयर मफ ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद जो है द रोल ऑफ हेल्थ सर्विलियंस, जैसा कि मैंने बताया था पहले कि हेल्थ सर्विलियंस करना ज़रूरी होता है। अगर आप किसी नॉइस एरिया में काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप अच्छे से ईयर प्लग ईयर मफ नहीं लगा रहे हों, आपके कान डैमेज हो रहा है। कैसे पता चलेगा, इसको पता करने का तो कोई उपाय हो कि आज आपके कान में बोलेंगे सुनाई दे रहा है तो इसका तो कोई लेवल तो नहीं है ना। तो हमें डॉक्टर जो है वहाँ पर रहते हैं और डॉक्टर से हेल्थ सर्विलियंस कराना पड़ता है एवरी 6 मंथ पे, 1 ईयर पे डिपेंड करता है कि जैसे मैं इंडिया में 6 मंथ पे होता था, मैं जिस पुरानी कंपनी में था उसमें ऑडियोमेट्री क्या करता है पता करता है, जैसे जब किसी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे ना तो ये अगर हाई नॉइस लेवल में आप एरिया में ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी ड्यूटी ऐसे एरिया में है जहाँ पे ज़्यादा नॉइस है, तो कंपनी जो है आपको एक पहले ही चेक करा लेगी आपके कान को, ऑडियोमेट्री टेस्ट करा लेगी, उसको बोलते हैं ना प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल टेस्ट जिसको बोलते हैं, वो कराता है प्री एग्जिस्टिंग, ये होता है प्री एम्प्लॉयमेंट में जो है ना प्री एग्जिस्टिंग हियरिंग डैमेज, आप घर से जब आए हैं या दूसरी कंपनी से आए हैं तो आपका कान का कंडीशन कैसा था वो चेक हो जाएगा, और फिर वहाँ पे एवरी 6 मंथ पे चेक होगा कि आपका न्यू हियरिंग डैमेज क्या है, यानी कि हमारे कंपनी में कितना डैमेज हो रहा है आपका कान, और रिमूवल एक्सक्लूजन ऑफ सच वर्कर फ्रॉम हाई नॉइस एरिया। मैंने देखा कि जिन लोगों का कान खराब लगता है डॉक्टरों के अब हो रहा है यहाँ पे काम करने में, उस आदमी का ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ नॉइस कम है। तो ये चीज़ जो है हमें हेल्थ सर्विलियंस बताता है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ भी है। उसके बाद कहीं ज़्यादा ये लॉस पाया जा रहा है तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉइस कंट्रोल टू रेटिफाई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेस्टिगेशन होता है, और जिससे कि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। एक ग्रुप एक्सरसाइज है आपके लिए कि आइडेंटिफाई ऑक्यूपेशनल एट रिस्क फ्रॉम नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस एंड द पोटेंशियल कॉज, कौन कौन सा ऐसा ऑक्यूपेशन है, कौन कौन सा ऐसा काम है जहाँ पे हम काम करते हैं और जहाँ पे हियरिंग लॉस हो सकता है या वहाँ पे पोटेंशियल इसका कॉज है जहाँ पे ये हो सकता है। तो आइए देखते हैं, तो मैंने बताया है कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जैसे कि आप कंक्रीट ब्रेकर का यूज़ कर रहे हैं, ग्राइंडर कटर, ये सब जो है जहाँ ज़्यादा साउंड आ जाए, हैवी मशीनरी वगैरह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड आता है वहाँ पे ये ऐसे ऑक्यूपेशन है, खासकर जो है जहाँ पे गन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तोप गोले यूज़ किए जा रहे हैं ऐसे वहाँ पे तो ये होता है। और कहाँ हो सकता है, जैसे कि बॉयलर वगैरह में जहाँ स्टीम बहुत जोर से निकलता है बहुत साउंड आता है, ऐसी जगहों पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे ये नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो सकता है, ऐसे ऑक्यूपेशन हैं। इस सेक्शन के एंड में कुछ क्वेश्चंस है जो आपके लिए है, तो आइए देखते हैं। व्हाट आर द हेल्थ इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर टू नॉइस लेवल हाई लेवल ऑफ नॉइस, अगर हाई लेवल ऑफ नॉइस को आप एक्सपोज होते हैं तो क्या हेल्थ इफेक्ट आप पे पड़ सकता है, इसके रिप्लाई है मेरे पास। मैंने आपको बताए भी थे कि नॉइस इंड्यूस्ड रिडक्शन सेंसिटिविटी और टेम्प्रोरी रियंगी
नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस हो सकता है, टिनिटस हो सकता है जिसमें क्या होता है रिंगिंग होता है कान में, बेल टाइप का बजेगा, स्ट्रेस इफेक्ट कॉज्ड बाय द इरिटेशन, नोइजिया बैकग्राउंड नॉइस, ये हो सकता है। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन है, देयर आर थ्री मेन वे ऑफ रिड्यूसिंग नॉइस, कौन कौन सा वे है नॉइस को रिड्यूस करने का, तो क्या है, एक तो रिड्यूस एट सोर्स, हम सोर्स पर नॉइस को रिड्यूस कर दें, और दूसरा क्या है पाथवे में कर दें, और तीसरा क्या है रिसीवर के पास कर दें, मैंने आपको बताए थे। उसके बाद जो है व्हाट टाइप्स ऑफ पीपीई आर अवेलेबल, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच, तो पीपीई किस तरह के अवेलेबल होते हैं भाई, मैंने बताया दो ही तरह के, एक तो ईयर मफ और एक ईयर प्लग, दोनों का एडवांटेज और डिसएडवांटेज यानी कि प्रोज एंड कॉन्स आपको बताए थे, तो आप वहाँ से भी कॉपी करके इसको रिप्लाई दे सकते हैं। जनरली क्या होता है ईयर मफ जो है थोड़ा पहनने में अनकंफर्टेबल होता है, हेलमेट के साथ मैच नहीं होता है, बट इसको आप दूर से सुपरविजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसका नॉइस रिडक्शन रेट जो है ज़्यादा होता है। ईयर प्लग में क्या होता है क्रॉस कंटामिनेशन का डर रहता है, ये अच्छे से फिट नहीं आता है, दूर सुपरविजन नहीं, यही तो दोनों का लिमिटेशन वगैरह है। तो आई होप जो है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर है हमारा 5.2 वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये साउंड का जो भी है, अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है तो कमेंट करें, जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में और भी अच्छा सुधार करूं। मैं इसको अपडेट भी कर रहा हूं, क्योंकि हमें कुछ समय के बाद लगता है कि मैंने उस लेक्चर को, उस पॉइंट को अच्छे से डिस्कस नहीं किया, तो मैं समय समय पर अपडेट भी करता हूँ। लेकिन ये तो आप ही बता पाएंगे कि ये पूरी तरह समझ में आया या सही था या मतलब कि उतना अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाएँ, तो आप कमेंट करेंगे तो हमें भी एक आइडिया मिलेगा, और मैं फ्यूचर में ऐसे जो मैं पॉइंट वाइज लेक्चर बना रहा हूँ इसको अपडेट करूँगा, जिससे कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं निबोस के, उनको बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, अगर आप हमें अपडेट करेंगे तो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए। धन्यवाद।